Good morning, dear modern champs. How are you all? I hope you are enjoying these online classes. Students, हम अपना बहुत ही important chapter 1 पढ़ रहे थे. क्या है ये chapter? Human body and food we eat. ठीक है? इस chapter की हम लोगों ने explanation पढ़ ली थी और bookwork में कुछ exercise की हुई थी. तो आइए जल्दी से एक बार अपना chapter की जो exercise की है उसको देखते हैं कि हमने कौन कौन सी exercises की हैं और आगे हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है. सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर साइंस बुक एंड ओपन योर एक्सरसाइज ऑफ योर बुक. ओपन पेज नंबर 17. स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन करा दिया था और फिल इन द ब्लैंक्स करा दिया था. मैंने आपको ट्रू फॉल्स होमवर्क में करने के लिए दिया हुआ था. बहुत से बच्चों ने किया था बट बहुत से बच्चों ने नहीं किया था. तो आइए एक बार ट्रू फॉल्स को मैच करते हैं कि किसने सही किया है और किसने नहीं किया है. पोटैटो इज अ सोर्स रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो दिस इज रॉन्ग. नो, पोटैटो इज नॉट अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. ओके, विटामिंस बिल्ड मेंटेन एंड रिप्लेस द टिश्यूज इन आवर बॉडी. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज फूड आइटम्स rich in vitamins and minerals are called protective foods. Yes, this is truth. Okay, so first and second is false, third one is truth. Now turn the page, come on page number 18. This is your page number 18 and here it is. The fiber and roughage in our diet is not digested but it prevent adequate nourishment. Yes, this is truth. Okay, and the last true false is water also helps in digest and any elimination of waste. Yes, this is also truth. Now come on exercise D. What is it? Give two examples of each of the following. Students, इसको बहुत ध्यान से आपको भरना है. मैं आपको बुक में मार्क करा रही हूँ. आप पहले मार्क कर लीजिए और फिर वीडियो देख करके आप इसको भर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? द फर्स्ट वन इज़ एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड आपको बताना है. इसके लिए आपको चैप्टर के पेज नंबर 1 पे जाना पड़ेगा. ओके, पेज नंबर 1 ओपन करिए, जो इस चैप्टर का फर्स्ट पेज है वहाँ आप चलिए. कहाँ है चैप्टर का पेज नंबर 1? जहाँ पर चैप्टर नेम और नंबर लिखा हुआ था, यहाँ पर ना. यहाँ पे आप देखेंगे एनर्जी गिविंग फूड की बात कर रहा है. तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हैं एनर्जी गिविंग फूड. तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? फ्रूट्स सच एज बनाना. तो बनाना और ग्रेप्स आप लिखेंगे एनर्जी गिविंग फूड में. क्या लिखेंगे? एनर्जी गिविंग फूड में आप लिखेंगे बनाना एंड ग्रेप्स. ठीक, ये किस पेज नंबर का है? पेज नंबर 18 का. आंसर नंबर 1 आपका यहाँ पे है. एनर्जी गिविंग फूड में आपको लिखना है फर्स्टली बनाना एंड सेकेंड ग्रेप्स. ओके, ये आपको लिखना है. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. टर्न करिए पेज और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड के लिए फिर से पेज को टर्न करके सेकेंड पेज, इस चैप्टर के सेकेंड पेज पे आइए. यहाँ पे पेज नंबर 12 पे देखिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स की जो बात करता है. तो प्रोटीन होता है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड. तो आप इसमें लिख सकते हैं एग एंड मिल्क आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ओके, ये आपका आंसर 2 है. एग एंड मिल्क आर बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक, कोई प्रॉब्लम? पहले में आपको क्या लिखना था? बनाना एंड ग्रेप्स लिखना था. सेकंड में आपको एग एंड मिल्क लिखना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज अगेन. एक्सरसाइज पे चलिए. एक्सरसाइज में थर्ड आपसे कह रहा है सोर्सेस ऑफ फैट. फैट के सोर्स आपको बताने हैं ना. फैट के सोर्स कौन कौन से हैं? फिर से आप पेज टर्न करके आइए. फैट्स देखिए पेज नंबर 12 पे ही, सेम पेज पे आपको फैट्स दिए हुए हैं. पीनट्स एंड ऑयल टू आर सोर्सेज ऑफ फैट. ठीक है, ये दोनों आपको आंसर नंबर 3 में लिखना है. नाउ नेक्स्ट फोर्थ,
What is the fourth question? Food rich in vitamin K. कौन सा food rich है vitamin K में? तो vitamin K का answer के लिए आप आइए page number 13 पे. आप देख सकते हैं ये जो table बनी हुई है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, leafy green vegetable and cabbage. ये दो आप लिखेंगे विटामिन के रिच सोर्स के लिए, ठीक है. लीफी वेजिटेबल मींस जैसे स्पिनच हो गया आपका, जो पत्तियों वाले वेजिटेबल्स होते हैं वो, और कैबेज, ये क्या है, रिच इन विटामिन के. एंड द लास्ट इज, व्हाट इज द लास्ट, इज हाई फाइबर फूड. हाई फाइबर फूड कौन सा होता है आपका? हाई फाइबर फूड के लिए आप ये देखिए रफेज एंड हाई फाइबर फूड पेज नंबर 15 पे आप लिखेंगे वाटरमेलन एंड वीट. क्या लिखना है आपको? वाटरमेलन और वीट, ये दोनों हैं आपके हाई फाइबर फूड. ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा. और इसको आपको अपनी बुक में पेंसिल से फिल करना है. ओके, विथ पेंसिल यू हैव टू फिल दिस इन योर ओन बुक. बुक में फिल करेंगे, कोई बच्चा कॉपी में नहीं करेगा. किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर करेंगे और कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी. ओके, कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी. आज के लिए इतना ही. आज आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको ट्रू फॉल्स फिल करना है. ओके, ट्रू फॉल्स मैंने करवाया था, होमवर्क में दिया था, बट मैं फिर से जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके लिए मैंने ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, वो आपको करना है. और एक्सरसाइज डी को भी करना है, गिव टू एग्जांपल्स भी करने हैं. ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिएगा और होमवर्क ज़रूर करिए, ठीक है, पढ़ाई ज़रूर करते रहिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.